एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? सो फाइनली जो है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल, एमएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, एएनएम, जीएनएम सभी के एप्लीकेशन फॉर्म निकल गए हैं स्टूडेंट, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी। स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूँ कि एएनएम में भी, जीएनएम में भी, बीएससी नर्सिंग में भी, पोस्ट बेसिक में भी, एमएससी नर्सिंग में, सभी कोर्सेज में, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सभी कोर्सेज में गवर्नमेंट में एडमिशन जो रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पर। मतलब जो एडमिशन है वो डायरेक्ट होगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। एंड फॉर्म की जो फीस है स्टूडेंट सिर्फ 500 है बीएससी नर्सिंग के लिए, एएनएम जीएनएम के लिए सिर्फ 300 रुपये फॉर्म की जो फीस है वो है। आप लोगों को डायरेक्ट जो मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। काफ़ी कॉलेजेस हैं, काफ़ी सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग की भी, एएनएम की भी, जीएनएम की भी। आप लोग जिसके लिए चाहें उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन रखा गया है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। एंड आप लोगों का मेरिट लिस्ट के बेसिस पर एडमिशन होगा। कैसे होगा? 10th के मार्क्स को लिया जाएगा प्लस जोड़ दिया जाएगा 12th के मार्क्स के बेसिस पर। एंड उसके बेसिस पर एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। एंड यहाँ पर अपलोड होने के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को इसमें अपना नेम चेक कर लेना, अगर आप लोगों का नेम होता है देन आर यू आर सेलेक्टेड। एंड आप लोगों को जो है इनकी जो फीस है वो आप लोगों को दे देनी है, दैट इज़ 19,000 फीस है बीएससी नर्सिंग के लिए एंड 6,000 फीस है एएनएम जीएनएम के लिए। बहुत ही ज़्यादा कम फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की स्टूडेंट, वो कुछ भी आप लोगों का नहीं लग रहा है अगर आप लोग जो अप्लाई करेंगे तो उड़ीसा बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। और बाकी इस वीडियो में आप लोग डिटेल से देखिए कि कैसे यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई कर, ऐसे ही स्टूडेंट पोस्ट बेसिक के लिए होना है, सब कुछ आप लोगों ने जीएनएम किया हुआ हो एंड सभी एलिजिबिलिटी जो है, जो कि मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, वो ये सेम है। बस आप लोगों का डिफरेंशिएट ये है कि आप लोगों ने जीएनएम किया होना चाहिए एंड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग के लिए आप लोग जो है बीएससी नर्सिंग पास हो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग पोस्ट बेसिक पास हो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकली आप लोग फिट होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों से जो चीज़ें हैं वो मांगी गई। फिर आप लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है स्टूडेंट्स, एंड बीएससी नर्सिंग में एडमिशन को लेकर रिजर्वेशन दिया गया है 22% एसटी को एंड 16% एससी को एंड फिजिकली जो हैंडीकैप उनको 5% एंड जो ग्रीन जो कार्ड चिल्ड्रंस हैं उनको जो कि जनरल से एसटी से एससी से उनको 5% 3% यूआर एसटी एससी वालों को। तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि उड़ीसा के साइड से हैं आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ doh.nic.in। एंड आप लोग जो अप्लाई कर सकेंगे स्टूडेंट 9 नवंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 26 को अप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए। तो क्या प्रोसेस है मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, अप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए, देन आप लोगों को जो रहेगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पब्लिश कर देना है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करने होंगे, ठीक है। नोबेल सेंटर पे वेरिफिकेशन होगा, पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम नहीं रखा गया है एंड यहाँ पर चॉइस फिलिंग रहेगी, लॉकिंग रहेगी एंड फर्स्ट एंड डिपॉजिट करनी होगी आप लोगों को फीस। एंड यहाँ पर जो रहेगा दैट इज़ अपलोड करने होंगे आप लोगों को पेमेंट रिसिप्ट। तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म आप लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है फिल कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट मामला, तो आप लोग ऐसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेसर मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे कैसे आप लोगों को जो है अप्लाई करना है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, मैं आप लोगों को अभी अप्लाई भी करके बताऊँगी, बिल्कुल भी पैनिक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा एएनएम के मेरिट लिस्ट जो रहेगी वो कैरियर मार्क्स के बेसिस पर जो है प्रिपेयर की जाएगी, और यहाँ पर जीरम में भी कैरियर मार्क्स के बेसिस पर प्रिपेयर की जाएगी। तो 12th में प्रेफरेंस दिया जाएगा बायोलॉजी मार्क्स को। एंड यहाँ पर जो रहेगा बेसिक बीएससी नर्सिंग में भी कैरियर मार्क्स के बेसिस पर, ठीक है। यहाँ पर कैरियर मार्क्स के बेसिस पर कैसे होगा मैं आप लोगों को बता दूँ, फॉर द कैलकुलेटिंग कैरियर मार्क्स जो 50% ऑफ मार्क्स जो रहेंगे आप लोगों ने जो 10th में यहाँ पर एक्वायर किए हैं एंड 50% आपने जो यहाँ पर 12th में एक्वायर किए हैं, जो उन्हीं के दोनों के बेसिस पर मेरिट लिस्ट को जो है प्रिपेयर किया जाएगा एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज में, मैं तो बोलूँगी आप लोग ज़रूर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एंड यहाँ पर रहेगा टोटल मार्क्स जितने आप लोगों ने बायोलॉजी में एक्वायर किए होंगे
इंग्लिश में अक्वायर किए होंगे एंड जो सीनियर रहेगा उनको पहले प्रेफरेंस मिलने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट एडमिशन रखा है। फ़ीस कितनी है यूनिवर्सिटी की मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस मैं आप लोगों को बता दूंगी एंड प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है कोर्स फीस देख सकते हैं। ट्यूशन फ़ीस जो रहेगी वो 1200 रहेगी, एडमिशन फ़ीस 1200 रहेगी, हॉस्टल चार्जेस सिर्फ 1000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सिर्फ 500 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन के सिर्फ 1000 रुपये एंड यहाँ पर जो रहेगा आइडेंटिटी कार्ड के 100 रुपये यहाँ पर रहेंगे। मतलब 6000 फीस है, टोटल 6000 फीस। इससे तो ज़्यादा क्या ही कम फीस आप लोगों की लगेगी। 6000 सिर्फ फीस रखी गई है एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के स्टूडेंट, प्राइवेट की जो A&M की फ़ीस है वो 35000 है। G&M की जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। बेसिक बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं, बेसिक बीएससी नर्सिंग जो टोटल बीएससी नर्सिंग की जो फ़ीस है गवर्नमेंट कॉलेज की वो है 19000, ठीक है। 19000 सिर्फ आप लोगों को गवर्नमेंट में फिल देने पड़ेंगे अगर आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। 12th के मार्क्स के बेसिस पर है, यानी 10th के मार्क्स के बेसिस पर है, डायरेक्ट एडमिशन होगा स्टूडेंट्स एंड सिर्फ यहाँ पर आप लोगों की बहुत ही कम। प्राइवेट में जो फ़ीस रहने वाली वो 42000 आप लोगों की जो है रहने वाली है, ठीक है। यूनिफॉर्म वगैरह भी आप लोगों को जो है प्रोवाइड की जाएगी, तो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग प्रोसेसर को ज़रूर देखिए। मैं आप लोगों को चलो बता देती हूँ कि कैसे आप लोग जो है अप्लाई कर पाएंगे, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं अप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस मैं आप लोगों को बता दूं। A&M के लिए 300 है, G&M के लिए 500 है, BSc नर्सिंग के लिए भी 500 फीस है। सिर्फ 500 फीस रजिस्ट्रेशन की है, बहुत ही ज़्यादा कम फीस है। पोस्ट बेसिक के लिए 500 है एंड MSc के लिए भी 500 यहां पर जो है रहने वाली। तो ये सर्टिफिकेट्स आप लोग देख सकते हैं। को अप्लाई कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। सबसे पहले उड़ीसा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग आ जाइए स्टूडेंट्स, दैट इज DOH odisha.nic.in। आने के बाद आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये इन्होंने अप्लीकेशन फॉर्म को जो है स्टार्ट कर दिया है। आप लोग कंप्लीट इसको रीड भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पर आप लोगों को जिस भी कोर्स में अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। अगर A&M के लिए अप्लाई करना है तो फर्स्ट, G&M के लिए सेकंड, BSc नर्सिंग के लिए थर्ड एंड पोस्ट बेसिक के लिए फोर्थ, MSc नर्सिंग के लिए फिफ्थ आप लोगों को चूज करना है। तो हम लोग BSc नर्सिंग के लिए बात कर रहे थे मेनली, तो BSc नर्सिंग चलो चूज कर लेते हैं। तो BSc नर्सिंग चूज करने के बाद आप लोगों के सामने जो है कंप्लीट जो इंटरफेस है वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा एंड आप लोग रजिस्ट्रेशन जो है 26 से स्टार्ट हो गया था, 9 11 तक यहाँ पर चलने वाला है। आप लोगों को एग्री करना है कि मैंने पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है एंड मैं जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एग्री करता हूँ या करती हूँ एंड आप लोगों को जो है स्टार्ट पे क्लिक कर देना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं पूरा अप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो चुका है, जिसमें आप लोगों को अपनी सभी डिटेल्स फिल करने होंगे, अकेडमिक ईयर, आप लोगों का नाम, आपके फादर्स का नाम, फादर्स का ऑक्यूपेशन, कैटेगरी क्या है, यहाँ पर जेंडर क्या है, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड, उसके साथ साथ आप लोगों ने 12th बायोलॉजी से किए हैं, यस नो, आप लोगों के कितने मार्क्स हैं कितने नहीं हैं, सब कुछ आप लोगों को इसमें फिल कर देना है। डोमिसाइल है डोमिसाइल नहीं है, ठीक है। 10th में यहाँ पर इन कौन सा बोर्ड था, पासिंग ईयर कौन सा है, कितने मार्क्स आए, कितने सब्जेक्ट्स में आए, ठीक है। सब भी चीज़ें मतलब आप लोग द योर रिलेवेंट आप लोगों को फिल कर देनी है एंड देन लास्ट में आप लोगों को अपना फोटो एंड अपना सिग्नेचर जो है अटैच कर देना है। आप लोगों का जो एडमिशन होगा वो स्टूडेंट्स कन्फर्म हो जाएगा, मतलब आप लोगों का अप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ, रजिस्ट्रेशन की आप लोगों की कुछ फीस लगेगी, जैसे कि 500 लगेगी बेसिक BSc नर्सिंग के लिए एंड 300 A&M G&M के लिए, वो आप लोगों को कटवा देनी है। डेबिट क्रेडिट कैसे भी आप लोग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मिलेंगे कि नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।